गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक सेंटेंसेस बताया था, एक फ्रेज बताया था, स्पीक इल ऑफ या थिंक इल ऑफ, जिसका मतलब होता बुराई करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिसाइज, टिकराए या मलाइन। ये हमने लिखा, ये हम लोग ने पढ़ा था, ये हम लोग ने वीडियो देखा था, स्पीक इल ऑफ या थिंक इल ऑफ। तो आज मैं आपको उसी से मिलता जुलता थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड बता रहा हूं जो हमारे स्पीकिंग में जरूर काम आता है। वो वर्ड है स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ का मतलब होगा स्पीक हाईली ऑफ समवन और समथिंग। से गुड थिंग्स अबाउट, बहुत ज्यादा तारीफ करना, बड़ा चढ़ाकर कहना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में, कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहना, बहुत ज्यादा तारीफ करना, तब हम लोग बोलेंगे स्पीक हाईली ऑफ। ये आज का टॉपिक है, मैं आपको आज ये पढ़ाने वाला हूं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये समझ में तो आ ही जाएगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों समझते हैं, बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत ही प्यारा विषय है, टॉपिक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, उसके एक एक बात को समझिए, उसके बाद बोलने की कोशिश करें। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें, जिससे हर कोई इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीख जाए। ओके दोस्तों, चालू करें या तो पहला सेंटेंस है शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू। शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया मैंने, वो हमेशा तुम्हारी ज्यादा तारीफ करती है। तुम तारीफ के लायक नहीं हो, तुम में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारी ज्यादा तारीफ करती है। मुझे पता नहीं क्या बात है, जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर कुछ तो बात है, मुझे लगता है जरूर तुम्हारा कुछ है उसके साथ, जरूर कोई चक्कर वक्कर है तुम्हारा। वो कुछ ज्यादा ही तुम्हारी तारीफ करती है, वो हमेशा तुम्हारी ज्यादा तारीफ करती है, पता नहीं क्या कारण है, मुझे नहीं लगता तुम्हें तारीफ वाली कोई बात है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओनली योर गुड वर्क विल स्पीक हाईली ऑफ यू। केवल आपका अच्छा काम आपकी तारीफ करेगा या आपकी तारीफ बताएगा। केवल आपका अच्छा काम, आपके तारीफ करने से कुछ नहीं होता, लोगों की तारीफ करने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपका जो काम है, आपका जो अच्छा काम है, वह आपकी तारीफ करेगा, वही आपकी तारीफ करेगा। आपका अच्छा काम ही आपकी एक तारीफ है। ओके, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, यू स्पोक हाईली ऑफ दिस मूवी। यू स्पोक, स्पीकर सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। यू स्पोक हाईली ऑफ दिस मूवी, तुमने इस फिल्म की ज्यादा ही तारीफ की, और तुम्हारे चक्कर में मैं देख के आ गया, मुझे बिल्कुल फिल्म अच्छी नहीं लगी, बहुत बेकार, बहुत ही बोरिंग फिल्म थी, बड़े मुश्किल से 2.5 घंटे कटे हैं। तो यू स्पोक हाईली ऑफ दिस मूवी, तुमने इस फिल्म की कुछ ज्यादा ही तारीफ की, लेकिन ये तारीफ पे काबिल नहीं थी वाली मूवी। यस, तो दोस्तों स्पीक हाईली ऑफ एक वर्ब है, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक होगा, थर्ड फॉर्म स्पोकन होगा, इसको टेंस के अनुसार हम लोग बना सकते हैं। ओके, लास्ट सेंटेंस, यू आर स्पीकिंग हाईली ऑफ हर क्वालिटीज। यू आर स्पीकिंग हाईली ऑफ हर क्वालिटीज, तुम उसके गुणों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। इस बार देखिए मैंने कंटिन्यूस टेंस बनाया, आईएनजी लगा दिया। तुम उसके गुणों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मुझे नहीं लगता उसमें इतनी ज्यादा काबिलियत होगी, मुझे नहीं लगता उसमें इतने ज्यादा गुण होंगे, क्वालिटीज होगी, तुम उसके गुणों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तो ये था टॉपिक, बहुत बढ़िया था, बहुत मजेदार था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा वीडियो देखकर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें, और हो सके तो एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपके सेंटेंस को देखूंगा। और मुझे तो बहुत ईजी है दोस्तों, बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बना लेंगे। लेकिन इस प्रकार के छोटे बड़े सारे फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे इंग्लिश में 4 चांद लगा देते हैं, और हमारी भाषा को अफेक्टिव, और क्या बनाते हैं, डिफेक्टिव नहीं कह देना, अफेक्टिव, इंप्रेसिव और डेकोरेटिव बना देते हैं। लेकिन पहले प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद बोलने की कोशिश करें, फिर देखिए कितना मजा आता है, और सामने वाले पर इंप्रेशन होगा ही होगा, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप तो अपना बेस्ट दे ही दीजिए, हमें अपना बेस्ट दे देना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। लोग तारीफ करें ना करें इसकी अलग बात है, बट वी मस्ट गिव आर बेस्ट टू द पीपल, टू द पीपल हु आर कनेक्टेड विद अस। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अब अभी मैं अलविदा नहीं कहूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए दोस्तों. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके डाउट के साथ और मेरे डाउट के साथ. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.